गल करते हैं पंजाब कांग्रेस की, जिस विच संभावी फेरबदल दी चर्चावां दे विचाले हुण खेमेबंदी की जंग तेज़ हो गई है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू हंगामी हालत में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर पहुँच गए हैं। ये हुण तो कुछ मिनट पहलां दी खबर है। इस तो अलावा मंत्री चरणजीत चन्नी, तृप्त बाजवा ते सुख सरकारिया सिद्धू नाल मीटिंग करन रंधावा के घर पहुँच गए हैं। लगभग उही सारा खेमा जिहड़ा कि कैप्टन विरोधी अजकल मन्निया जांदा है, वो सारा इकट्ठा होंदा नजर आ रहा है। कई होर कांग्रेसी विधायक भी रंधावा की कोठी में पहुँचने शुरू हो गए हैं। खेमेबंदी, क्योंकि ये पहला तो कहा जा रहा है कि ये जिहड़ा फॉर्मूला लाया जा रहा है, फॉर्मूला कितना कारगर रहेगा, इस पर बड़े वड्डे सवाल ने। सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाउणा ते दो कार्यकारी प्रधान लाउणा ते नाल ही मुख्यमंत्री बनाए रखना कैप्टन, कैप्टन नूं की बर्दाश्त होएगा कि कुछ दिन पहला पैराशूट कैंडीडेट बाहरों लिया आया, एक कैंडीडेट जिसने पिछले इलेक्शन तो पहला पार्टी ज्वाइन की थी, चार साल बाद पार्टी का प्रधान बना दिता जाए, वो भी उदों जदों टकसाली कई कांग्रेसी ने इस गल का विरोध कर रहे हैं। तो खेमेबंदी हुण तेज़ हो गई है। मेरे सहयोगी सीनियर सहयोगी तलोचन सिंह मेरे नाल ने। तलोचन जी, ये जदों दुपहरे आप गल कर रहे थे, आप उदों ही ये गल कर रहे थे कि ये चीज़ा की कैप्टन बर्दाश्त होणगियां, कि खेमेबंदी तेज़ नहीं हो जाएगी, कुछ संकेत उसे ट्रैक ते मिलते नजर आ रहे हैं इस खेमेबंदी के नाल। बिल्कुल नरेंद्रपाल जी, बहुत वड्डी खबर है। जदों ये गल सामने आई कि नवजोत सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया जा सकता है, और वो सीधे उत्थे पहुंचे ने जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह की विरोधता कर रहे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगरी दे उंगल उठा रहे ने, और मन्निया जा रहा है कि ये बाकी लोग ने। जो जानकारी मिली है, नवजोत सिद्धू अज चंडीगढ़ सेक्टर 39 जिहड़े मंत्री ने सुखजिंदर रंधावा उहदी कोठी च पहुंचे ने, और जिहड़े विरोधी ने सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मंत्री चरणजीत चन्नी, मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा, मंत्री सुख सरकारिया, और इसे तरह कोई पता लगा 10-15 विधायक जिहड़े उत्थे पहुंचे ने, और वो नवजोत सिद्धू नाल मीटिंग कर रहे ने, जिहदे तो बड़ा साफ संकेत मिलता है कि नवजोत सिद्धू जिहड़े ने उहनां दा रुख उही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विरोधी धड़ा जिहड़ा है सिद्धा उन्हों को आए ने। ये तो बड़ा साफ संकेत मिलता भी अगले दिनों दो खेमे फिर भेड़ शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वड्डी खबर है। जे हाईकमांड सच्ची मुची कैप्टन नवजोत सिद्धू को प्रधान बनाने लिए हरी झंडी देती है, तो वह इस ढंग जिन्हें कैप्टन का विरोधी खेमा उन्हों को लाना और उन्होंने मीटिंग करनी, जो साफ संकेत मिलते भी अगले दिनों कैप्टन खेमे तो नवजोत सिद्धू का खेमा कह लिए नवे तरह का टकराव पैदा हो सकता है। सो वड्डी खबर यह है कि नवजोत सिद्धू इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी धड़ा जिहड़ा कह सकते हैं, जिहड़े बाकी विधायक ने, विराज विधायक ने, MLA ने, उन्हां नाल मुलाकात करके मीटिंग कर रहे हैं। जी जी, तलोचन जी, ये हालात उदों ने जदों अज तक ऐलान होया नहीं, रस्मी ऐलान होया नहीं, उस तो पहला ये खेमेबंदी जिहड़ी है वो तेज़ हो गई है, और ये जिस तरीके दे नाल चीज़ां अगे वध रहियां ने, ये खतरे की घंटी है, ये संकेत चंगे नहीं। और दूसरा, पंजाब की जनता का कल जिहड़ा तुसीं सवाल पूछा सी, वो सवाल अजे भी उत्थे दा उत्थे है कि डॉक्टर जिहड़े ने स्ट्राइक कर रहे ने, मुलाजम हड़ताल कर रहे ने, इन्नियां चीज़ां हो रही ने, उस वाल किसी का ध्यान नहीं है। खेमेबंदी अगे वधेगी ते ना तो कांग्रेस वास्ते ना ही पंजाब दी जनता वास्ते कोई चंगे संकेत ने। देखो, ये थोड़ी जी राहत लगी थी पंजाब के लोगों को भी शायद कांग्रेस का कलेश खत्म हो गया, और नवजोत सिद्धू को किसी ढंग नाल कैप्टन को कट्ठा जोड़ा जा रहा है, पर जरा ये नवे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उदे तो लगना शायद पंजाब के लोगों को हाले और वड्डी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा, कहने के जेड़े ढंग नाल चंडीगढ़ में एक पासे नवजोत सिद्धू उन्हां मंत्रियों उन्हां विधायकों का मीटिंग कर रहे हैं जिहड़े कहिंदे ने कैप्टन की कारगुजारी जिहड़ी उन्हें बेड़ा गर्क कर दिता पार्टी का, उन्हें कांग्रेस का बहुत नुकसान किया है, और दूसरे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां ने भावे ये गल कही थी अपने कौमी प्रधान सोनिया गांधी को मिलने तो बाद कि वह हाईकमान के हरेक फैसले को प्रवान करेंगे, पर जो हालात बन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, और जिदा का कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना भी एक रौ हों कि वह सारा कुछ बर्दाश्त करे, यह बहुत वही गल है। पर तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, पंजाब के लोग जिहड़े पहले सवा चार साल तो पंजाब सरकार वालों किए वादिया की उड़ीक कर रहे कदों लागू होणगे, और पिछले 2-2.5 महीने जिहड़ा पार्टी का कांग्रेस का कलेश चल रहा,
टोटली सारा कुछ थक पाया और जी अज ये गल सामने आई वो तो फिर लग रहा भी आने वाले दिनों च कांग्रेस के दो धड़े एक दूजे भिड़ते नजर आने जी जी त्रिलोचन जी अगर ये जिन्हें भी इतने मौजूद ने रंधावा हो या तृप्त बाजवा हो या चन्नी हो क्या जावे उही सारा खेम है जिन्होंने ये तीन मैंबरी जी हाईकमान की कमेटी से उनके सामने कैप्टन के पारक उतरे ने देखो सुखजिंदर रंधावा वो मंत्री ने जिन्हें कैबिनेट में मंगा के अपना अस्तीफा मारिया मैं कामचारी मजदूर नहीं मंजूर नहीं मेरा अस्तीफा ले लो चरणजीत चन्नी वो मंत्री ने जिन्होंने दलित भाईचारा जरा इन्हों के विधायक की मंत्री उन्होंने मीटिंग करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को संकेत देता से मैं दलित भाईचारे से दबाव से दबाव पा सकता इस तरह तृप्त बाजवा के सुख सरकार है जेडे बहुत नजदीकी मने जाते हैं जो जानकारी मिली है जेडे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सच्ची बाह मने जाते हैं सुरेश कुमार जेडे मुख प्रमुख सकत्र ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के उन्होंने वालों कुछ झाड़ा पाने उन्होंने वालों सवाल चुके मंत्री नाराज सन और पिछली मीटिंग के भी जी एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो तनखाह कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी थी अपनी सरकारी रहायश चलाई थी उदों भी इन्हें मंत्रियों ने पहले मैसेज देता से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकियों को सुरेश कुमार उसे दसिया तो असं मीटिंग में नहीं आना सो यह उ सारा कोरमा है उ सारा ग्रुप है जो शरीयम कह रहा है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार चाड़ी सानू मंजूर नहीं इतों का कहते हैं कि जे हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर 2022 चके ला लिया तो कांग्रेस का बंदा कुछ नहीं कर सो उन्हें उस धड़े जब मनप्रीत नवजोत सिद्धू मिलते हो कैप्टन खेमा कि महसूस करेगा अपने आप अंदाजा लाया जा सकता जी 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 समय च लगता भी कड़त्तन बढ़ सकती है बिल्कुल कड़त्तन बढ़ सकती है खेमेबंदी किस लेवल तक पहुंचेगी उसके संकेत हजे रस्मी ऐलान होना बाकी है उस तो पहले ही शुरू हो गए हैं नज़र बनाए रखो त्रिलोचन जी बहुत अहम डिवेलपमेंट अगे भी तुहाडे तो जानकारी लेंदे रहांगे कि कौन कौन सिद्धू के खेमे में इत्थे पहुँच रहा है तो कौन कौन कैप्टन के खेमे बाकी रह जाता है लड़ाई जिहड़ी है जंग जिहड़ी है वो ऐलान तो पहला शुरू हो चुकी है इस विच कोई दो राय नहीं एक बार फॉर्मूला भी दस दें दर्शकों को कि आखिर फॉर्मूला की तय किया गया सूत्रों के हवाले तो यह खबर आई सी अज कि फॉर्मूला यह है जो टीवी स्क्रीन पर है कैप्टन मुख्यमंत्री बने रहेंगे मुख्यमंत्री ते हर तरह के इल्जाम लाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रधान रहेंगे हुण दोवें की मूल है कि जनता दे विच जाणगे ये आपदे आप च वड्डा सवाल है इस तो इलावा सिद्धू नूं अहुदा तां दित्ता जाएगा पर दो ब्रेकां भी थले ला दित्तियां जाणगियां कार्यकारी प्रधान दो लाए जाणगे जिस विचों एक हिंदू भाईचारे नाल जुड़िया चेहरा होएगा तो एक दलित भाईचारे नाल जुड़िया चेहरा होएगा ये वो फॉर्मूला है जिहड़ा तय कीता सी ते फॉर्मूला तय करन दे नाल ही खेमेबंदी ते जंगबंदी किवें शुरू हो गई है वो असीं हुण तुहानूं दस्सिया ही कि सिद्धू उन्हां सारे विधायकों आगुआं मंत्रियों इकट्ठा करन च जुट गए ने जो कैप्टन विरोधी दसे जाते हैं कैप्टन इस नूं की आसानी नाल लैणगे ये आपदे आप च वड्डा सवाल है लेकिन यह तय है कि भांबड़ जिहड़ा हुण खेमेबंदी वाला कांग्रेस के अंदर वो सुलगदा होर विखाई दे रहा है।